हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं बुगीज और अरब स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सुंदर जगह है बुगीज, तो फेमस है। वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लोग बेसिकली जाते हैं, काफ़ी कुछ सामान मिल जाता है वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में। तो मैं आपको वो आज दिखाऊँगी। तो वहाँ पर सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है। तो पहुंच गए हम लोग ताला मेरा MRT स्टेशन में, और यही ग्रीन लाइन हमें लेनी है, सीधे बुगीज पहुंच जाएंगे हम लोग। और मेट्रो भी आ गई है और शर्ली बहुत एक्साइटेड है ना शर्लू? तो हम लोग पहुंच गए हैं बुगीज जंक्शन, और बस हमें अभी रोड क्रॉस करनी है और उधर है बुगीज स्ट्रीट। हम लोग को जाना है यहाँ बुगी स्ट्रीट के अंदर, और अगर आप लोग को यहाँ पे ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड मॉल है जो कि इस ब्रिज से कनेक्टेड है, और इस ब्रिज के अंदर भी शॉप्स हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रांडेड स्टफ मिल जाएगा, और अगर आपको ऐसी लोकल शॉपिंग करनी है तो आप जा सकते हैं बुगी स्ट्रीट के अंदर। तो जो भी सिंगापुर आता है वो बुगीज ज़रूर घूमता है, और यहाँ से आप सुवीनियर्स, चॉकलेट शॉपिंग, वो सब कुछ कर सकते हो। अभी दिखाती हूँ मैं अंदर क्या क्या सामान यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्या क्या मिलता है यहाँ पे। बुगी स्ट्रीट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये 3 लेवल है, तीनों लेवल से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और अंदर ही आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा। तो यहाँ घुसते ही सबसे पहले ये जूस कॉफ़ी की शॉप है, और यहाँ पर कुछ रेनोवेशन भी चल रहा है इसलिए ये साइड इन्होंने बंद कर रखी है। और हम लोग आए हैं आज वीकडे में, इसलिए भीड़ बहुत कम है। अगर वीकेंड में आओगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सुवीनियर्स ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैश ऑनली। तो बहुत सारे स्टोर्स हैं जो सिर्फ कैश में डील करते हैं। जैसे ये है सिर्फ चॉकलेट शॉप्स है, तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की चॉकलेट मिल जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ बैग ही बैग हैं, और 2 बैग है $20 में। और इस तरफ है यहाँ पे खाने पीने के स्टोर्स, तो यहाँ पे आपको मलेशियन, चाइनीज़, सिंगापुरियन, ये सारे डिशेस मिल जाएंगी जो आप ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली वेजिटेरियंस के ऑप्शंस थोड़े कम हैं, पर आप यहाँ पे क्रीप ट्राई कर सकते हैं, वॉफल्स ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज फ़ोन कवर ले सकते हैं, खुद से आप पिक कर सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, और अपने फ़ोन कवर में लगा सकते हैं इस तरीके से। और बहुत सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स भी हैं जो आप खुद से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, मिक्स एंड मैच कुछ भी पिक करके आप अपना ब्रेसलेट बनवा लो। तो अब हम लोग आए हैं यहाँ पे बैग की शॉपिंग करने के लिए। मेरे को मेरे फ़ोन का ग्लास, टेम्पर ग्लास चेंज करवाना था, तो वो तो हो गया है। यहाँ पे फ़ैन देखिए कितना बड़ा है, बट क्योंकि ये पूरा अंदर एयर कंडीशनर है इसलिए फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। और शर्ली बहुत एक्साइटेड है। शर्ली पिकअबू, पिकअबू, और आंटी से प्यार कर रही है। ब्यूटीफुल बेबी, थैंक यू। Thank you.
चलो डांस कर रही है। तो यहाँ अंदर वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ भी है, प्लस ये पूरा 3 लेवल है, तो आप पूरे 3 लेवल में एक्सप्लोर कर सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। तो हमने अभी बैग्स भी ले लिए हैं। हमने बहुत सारे बैग्स की शॉपिंग करी है, अभी हमने दोबारा यहाँ से बैग्स लिए हैं। और आप यहाँ से सुवेनियर्स भी ले सकते हैं इस तरीके से, मरलाइन के स्टैचू वाले। तो हम लोगों को जितनी शॉपिंग करनी थी हमने कर ली, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं अरब स्ट्रीट की तरफ। तो शर्ली का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बॉल की तरफ है, अभी हमने इसके लिए बॉल खरीदी है और वो बार बार फेंक दे रही है, इसलिए हमने दिया नहीं उसको, पर वो लटक लटक के पूरा बॉल देख रही है। और अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हम लोग आ गए हैं अब पैनकेक्स खाने के लिए, और बिल्कुल बुगीस जंक्शन के पास ही है ये कैफ़े, पैनकेक्स वैली वैली करके कुछ नाम है इसका। तुम्हें कोई दिखाओ, चलो तुमको ही दिखाऊंगी। नची 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 नच नची 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 नच बेबी शक्ति डू 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 बेबी शक्ति डू 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 बेबी शक्ति डू 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 बेबी शक्ति मम्मी शक्ति डू 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 मम्मी शक्ति डू 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 मम्मी शक्ति डू 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 मम्मी शक्ति शर्ली शक्ति डू 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 शर्ली शक्ति डू 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 शर्ली शक्ति डू। शर्म भी आ जाती है इसको। तो हमारे पैनकेक्स भी आ गए हैं और बहुत यमी लग रहे हैं। तो अगर आप लोग भी बुगीज आते हैं तो बिल्कुल जंक्शन में यहाँ पे पैनकेक कैफ़े है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं अरब स्ट्रीट की तरफ, और आप देख सकते हैं बादल, कितने ज़्यादा बादल है, और ड्रिजलिंग भी हो रही है यहाँ पे। तो शिखर भी आ गया था ऑफिस से और उसने हमें ज्वाइन कर लिया है अब। तो अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने अपना प्लान चेंज कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं ज्वेल। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अभी हमें दिखा है लाओ लाओ, जहाँ पे मिलता है फ्रोज़न योगर्ट, जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आइसक्रीम का रिप्लेसमेंट है, हेल्दी वर्जन अगर आपको कुछ खाना है तो। तो यहाँ से अभी भैया और शिखर ले रहे हैं लाओ लाओ फ्रोज़न योगर्ट, और इसके बाद अभी हमें लेनी है स्काई ट्रेन। तो स्काई ट्रेन कोई भी ले सकता है, ये जो अंदर से पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी है, और जो बाहर से जाना चाहता है ज्वेल की तरफ उनके लिए भी है। और आप स्काई ट्रेन लेकर के T1 और T2 पे भी जा सकते हैं। तो ये है हमारा फ्रोज़न योगर्ट। शैली चलो हाँ, जब उसको अच्छा लगता है तो उसका डांस निकलता है। तो आ गए हम लोग स्काई ट्रेन लेने के लिए, और नेक्स्ट ट्रेन है 3 मिनट्स में। और यहाँ से T1 जो जाती है वो वाली स्काई ट्रेन लेनी है, दूसरी स्काई ट्रेन जाती है T2। Thank you.
पहुंच गए हैं हम लोग टर्मिनल वन में, और अब यहाँ से जाएंगे हम लोग ज्वेल। तो अब बस हम लोगों को यहाँ से रोड क्रॉस करनी है और सामने ही है ज्वेल। ज्वेल बेसिकली पूरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको शॉपिंग के आउटलेट्स, सारे ब्रांडेड जो भी स्टोर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ज़ारा, H&M, यूनिक्लो, और फिर यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे आपको फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे, जापनीज़ कुजीन हो, कोरियन हो, इंडियन, इटालियन, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और मुझे याद है जब ये फर्स्ट स्टोर यहाँ पे खुला था, शेक शैक, हम लोग भी आए थे यहाँ पे, और इतनी लंबी क्यू थी कि हम लोग को कम से कम 1 वीक तक तो हम अंदर ही नहीं जा पाए, इतनी लंबी क्यू थी। घंटे शो चलता है, 7 o'clock से स्टार्ट हो जाता है टिल मिडनाइट, और ये पूरा एरिया है, आप कहीं पे भी खड़े होकर फोटोज ले सकते हो और कहीं पे भी खड़े होकर के शो एंजॉय कर सकते हो। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।